इस सब के बीच मणिपुर में भाजपा प्रभारी प्रहलाद पटेल ने कहा कि अगर भाजपा की सरकार सत्ता में आती है तो स्थानीय लोगों को दिक्कतों का जल्द ही जो उनको दिक्कतें होती हैं उसका समाधान किया जाएगा। हमारे संवाददाता राजीव रुस्तगी ने प्रहलाद पटेल से खास बातचीत की। प्रहलाद जी, ये बताइए, भाजपा ने 21 सीटें जीती हैं और कांग्रेस ने 28, दोनों ही सत्ता से कुछ कदम की दूरी पर रह गई हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी की अब रणनीति है? देखिए, जनादेश मैं कल भी कह रहा था, जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया है मणिपुर की जनता ने, तमाम दबावों के बावजूद हमको 36% वोट मिला है, सीट हमारी कम हुई है, लेकिन जो बाकी है NDF ने कह दिया, कांग्रेस को नहीं देंगे, NPF ने कहा है, फिर LJP ने कह दिया है, बात आती है NPP की, फिर एक निर्दलीय और TMC के वो बसते हैं। मैं सिर्फ उनसे आग्रह करूंगा कि मणिपुर के डेवलपमेंट पर जो जनादेश मणिपुर की जनता का है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर एक सरकार बनाकर हमें डेवलपमेंट के मोर्चे पर आगे चलना चाहिए, क्योंकि मणिपुर के लोगों को की जो ज़रूरत है वो डेवलपमेंट है। उखरूल ने ये साबित कर दिया है कि IBOBI और कांग्रेस ने ब्लैकमेल किया बेली के लोगों को, और जो हिंसा उखरूल में हुई है जिस बात का प्रमाण है कि वो भी झूठ बोलते थे, और इसलिए मुझे लगता है कि जो भी लोग निर्वाचित होकर आए हैं उनको मणिपुर के डेवलपमेंट के लिए मिलकर काम करना चाहिए, और वो डेवलपमेंट अगर हो सकता है तो BJP के नेतृत्व में हो सकता है, तो मैं ये आग्रह करूँगा। किन्हीं दलों से आपकी बातचीत चल रही है यहाँ, वो जो एक ज़रूरी जो जादुई आंकड़ा है उसको प्राप्त करने के लिए? नहीं, जादू आंकड़ा तो उन्हीं के पास ही है, जिसमें कुछ लोगों ने अपने मन से कह दिया, NPF ने और LJP ने कर दिया है, NPP को भी अपनी बात कर देनी चाहिए, और मुझे अच्छा महसूस होता है कि कम से कम वो कांग्रेस के पास नहीं गए, अच्छी बात है, मैं उनको धन्यवाद करता हूँ। 2012 में 0 सीट्स और अब 21, इस सफ़र को, 5 साल के सफ़र को किस तरह से देखते हैं? नहीं, अभी तो मुझे लगता है कि सिर्फ मोदी जी के नेतृत्व पर जो भरोसा है, जो डेवलपमेंट की चाह है मणिपुर के लोगों की, वही बड़ा इशू है। वो जो प्रॉब्लम्स हैं वो सबको पता है, करप्शन यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ पर ब्लॉकेज प्रॉब्लम है, बंद प्रॉब्लम है, और जो प्रधानमंत्री ने एश्योरेंस दिया है उसी का आधार है कि जनमत हमारे पक्ष में है। बहुत बहुत धन्यवाद।